दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुट्टे पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ देवेंद्र फडणवीस को जीता है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उनके काम से जनता नाराज है, यह सवाल पूछना गुनाह माना जाता है। गुट्टे पाटिल ने आगे कहा कि 2024 में मोदी के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर लोगों ने उन्हें जीता है, लेकिन अब सरकारी स्कूल निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप सामने आ रहे हैं। अनिल देशमुख जी के ऊपर जो आरोप लगाया और उनको जेल में जिस तरीके से उनको रखा है, तो वो तो झूठे आरोप के तहत उनको जेल में डाला गया था और उनको सिर्फ हर्यास करने के लिए एक पुलिस कमिश्नर का वापर करते हुए इन्होंने अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये किया था। जिन लोगों ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया वो वॉशिंग मशीन में धुल के अभी उनके पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, और जिन्होंने नहीं सुना, सुनील केदार हो, अनिल देशमुख जी हो, इन सब लोगों को उन्होंने जेल में डाला था। तो लोगों के मन में तो है कि ओबीसी के साथ इनका ये व्यवहार रहा है, बीजेपी के जो करप्ट लोग हैं उनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं, आप बीजेपी में चले जाएंगे तो आपको क्लीन चिट मिलेगी और आप उनके विरोध में रहेंगे। ये इनके इनको डेमोक्रेसी ही मान्य नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ही मान्य नहीं है, इसलिए तो हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अम्बाजरी तालाब, बगीचा और दीक्षा भूमि जैसे मुद्दों को उजागर कर रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने लड़की बहन योजना आई है, लोगों की जरूरतें जो है वो 1500 रुपए से पूरे होने वाली नहीं है। लोगों की जरूरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। आज लोग सुरक्षित है क्या? स्लम बस्तियों में जिस तरीके से नशे का कारोबार शुरू है, गृहमंत्री के राज्य में, जिले में हो रहा है, करोड़ों रुपए का नशे का कारोबार, एमडी और ये सब, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ उनकी कॉरपोरेटर मुन्ना यादव ने आरोप लगाया था कि यहाँ सब पुलिस स्टेशन से के संरक्षण में ये सब नशे का कारोबार हो रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर के शहर में कैसा कोई हिम्मत कर सकता है उनके संरक्षण के बगैर? कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। कितना सुंदर मंगलसूत्र है, कहाँ से बनवाया? ये तो मैंने प्रमोद ज्वेलर्स से बनवाया, तुम भी वहीं से ले लो। और अब तो प्रमोद ज्वेलर्स में मंगलसूत्र महोत्सव भी चल रहा है, जहाँ 23 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच मंगलसूत्र की मेकिंग चार्जेस पर तुम्हें 25% ऑफ भी मिलेगा। प्रमोद ज्वेलर्स, MID से हिंगना रोड, नागपुर।